हेलो बीइंग्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, घर पर रह रहे हैं। ध्यान रहे, हमें इस वक्त बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है, और जब भी निकलना है तो मास्क पहनना है। इसी तरह हम सब अपना ख्याल रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम, जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ये प्राणायाम COVID-19 पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, टेक आउट योर मैट एंड हियर वी गो। तीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहली है ब्रीदिंग कंट्रोल, यानी पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है सांस अंदर लेना, रेचक का मतलब है सांस बाहर छोड़ना, और कुंभक का मतलब है सांस रोकना। लंबी सांस लेंगे, हाथ प्राण मुद्रा में, एक गहरी लंबी सांस, थोड़ी देर रोकेंगे, इसे कहेंगे अंतरकुंभक। सांस छोड़ेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, इसे कहेंगे बाह्य कुंभक। ये क्रिया आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आप पहले 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं और आहिस्ते आहिस्ते अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे बढ़ाएंगे। लंबी सांस अंदर, थोड़ी देर के लिए इसे रोकेंगे, ध्यान देंगे और आहिस्ते छोड़ेंगे। रोकेंगे, फिर सांस अंदर। गहरी लंबी सांस, कुछ देर के लिए रोकें, फिर छोड़ दें। फिर थोड़ी देर के लिए रोकें, ग्रेट। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसे स्कल शाइनिंग ब्रीथ या ब्रीथ ऑफ फायर भी कहते हैं। कंफर्टेबली बैठें, पीठ सीधी रखें, लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर पुल करें, जैसे आप अपने पेट की मदद से सांस छोड़ रहे हैं। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें और इसे बिल्कुल धीरे धीरे करें।
हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसे जितना हो सके उतना आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड। थर्ड प्राणायाम अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। पीठ सीधी करके कंफर्टेबली बैठ जाएं। अब बाएं नाक से सांस अंदर लें और दाएं नाक से बाहर। फिर दाएं नाक से अंदर और बाएं से बाहर। ऐसा 15 से 20 बार कर सकते हैं। As I always say, योगा हर एक के लिए अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग योगा करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी किस्म की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये तीन प्राणायाम हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करके हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इन्हें रोज प्रैक्टिस करके COVID-19 के खतरे से बचा जा सकता है। That is all for today. अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें और घर पर रहें। इस वक्त एक दूसरे से दूरी हम सबको बचा सकती है। तो टेक केयर। आई विल सी यू सून। नमस्ते।